गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। आरोपियों ने 9 महीने की बच्ची को ऑटो से बाहर फेंक दिया। बच्ची की मौत हो चुकी है और महिला की अस्मत को तार तार किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला के साथ ऑटो में दुष्कर्म किया है, सामूहिक दुष्कर्म इस महिला के साथ हुआ है। लेकिन तमाम हदों को तब पार कर दिया जाता है जब आरोपियों ने एक 9 साल की बच्ची को ऑटो से बाहर फेंक दिया। माफ कीजिएगा, 9 महीने की बच्ची थी है, और ऑटो से बाहर फेंके जाने के बाद इस बच्ची की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की एपीएन आपको बता रहा है। गुरुग्राम से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर औरत की अस्मत को पहले तार तार किया गया और एक 9 महीने की बच्ची को ऑटो से बाहर फेंक दिया गया। बच्ची की मौत और आरोपी क्या पुलिस की गिरफ्त में है, या आरोपियों को लेकर पुलिस के पास क्या कुछ स्टेटस है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अनिल हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बेहद भयानक ये पूरा मामला है, जहां पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और एक 9 साल की बच्ची को ऑटो से बाहर फेंक दिया जाता है। फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? शर्मनाक वारदात है जो दिल्ली और एनसीआर के अंदर लगातार देखी जा रही है। 29 मई की यह वारदात है, जिसमें बिहार की एक महिला जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, पुलिस के मुताबिक वह अपने पड़ोस में झगड़े के बाद अपने मायके जा रही थी। जब कुछ ऑटो वाले उसको लिफ्ट देते हैं और जब वह ऑटो में बैठ जाती है तो 3 आरोपी यानी कि जो ऑटो रिक्शा चालक है वह उसके अंदर बैठे थे, उसे छेड़खानी करने लगते हैं। छेड़खानी के बाद जब वह अपराध करती है तो बच्चा रोने लग जाता है जी। बच्चे के रोने के बाद लोगों को, उन आरोपियों को यह बात जो है ना गवार गुजरती है और वह ऑटो से उस बच्चे को बाहर फेंक देते हैं, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सेक्टर 8 गुड़गांव के पास सुनसान जगह पर इस महिला को वो लेके जाते हैं और 5 घंटे तक यह ऑटो जो है रात को घूमता रहता है वहां पर। 3 लोग उस महिला के साथ दुष्कर्म करते रहते हैं, जिसके बाद जब वह 3 तारीख को पहुंचती है मानेसर स्टेशन में, जहां पर वह अपनी हुई आप बीती सुनाती है पुलिस प्रभारी को, तो उसके बाद यह केस दर्ज किया जाता है और साथ में जो है उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल के अंदर यह पुष्टि हो जाती है कि बच्चा के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद पूरे ही गुड़गांव और एनसीआर के अंदर जो है एक हलचल मच जाती है कि यह एक बहला देने वाली घटना है और पुलिस पूरी तरीके से इसके अंदर जो है आरोपियों को पकड़ धकड़ में लगी है। लेकिन अभी तक ठीक है अनिल, मैं आपके पास आता हूं, फिर और ज्यादा जानकारी मैं आपसे लूंगा। लेकिन उसके पहले बरखा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। एक बार फिर ऐसी तस्वीर जहां मानवता शर्मसार हो रही है, ना सिर्फ महिला की अस्मत तार तार हुई है बल्कि पूरा समाज इस बार तार तार हुआ है, क्या कहेंगे, ये कैसे ये मानसिकता रोकी जाएगी? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जिस तरह से आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, ये जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं समझती हूँ प्रशासन को इसमें थोड़ा सा सख्त होने की जरूरत है और उसके साथ साथ जो है एक सोशल, हमारी जो सोसाइटी है उसका भी बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम सारा काम जो है सिर्फ सरकारों पे नहीं छोड़ सकते। हमें जो है अपने आपस में भी, घरों में भी, हर जगह एक अवेयरनेस के कैंप लगाने चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस तरह की लोगों को, घटनाओं को अगर होती है आसपास तो उनको पुरजोर तरीके से उनका विरोध जी। बरखा जी, एक मिनट में आता हूँ आपके पास। पुलिस जो जांच कर रही है उनका क्या कुछ कहना है वो सुना देते हैं पहले। चलिए ठीक है, बरखा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। बरखा जी, मानसिकता पर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर मानसिकता लोगों की ऐसी कैसे हो गई है, बदले की भावना से क्या हुआ है इंसिडेंट आप बताएं। जो तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने 9 महीने की बच्ची को ऑटो से फेंक दिया, जिसके बाद इस बच्ची की मौत हो गई है। गुड्डू नाम का व्यक्ति आए, अभी मेरी मिसेज रात को झगड़ा हो गया था हमारा आपस में पड़ोसियों का, वो बच्ची को लेके अपने मायके चली गई है दिल्ली, जो बच्ची एक्सपायर हो गई है। गुड्डू को हमने कहा भाई आप क्या हुआ है इंसिडेंट आप बताएं। जो वारदात के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपनी मिसिज को कॉल किया, जिसकी मिसिज हमारे पास 30 तारीख को
शाम के टाइम पुलिस स्टेशन पहुंची है, जिसने अपने बयान दर्ज कराए कि मेरी बच्ची को मैं लेके रात को 12 बजे खानसा गांव अपने ससुराल जा रही थी। ऑटो से मैंने लिफ्ट ली थी, जिसमें 3 आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरी बच्ची को चलते टेम्पो से गिरा दिया, जो चोट लगने के कारण मेरी बच्ची की मौत हुई, जिस पर हमने बयान के मुताबिक उसकी FIR लॉन्च कर दी। 3 तारीख को मनीषा, जिसने पहले बयान दिया था, उसने आके हमें रिपोर्टिंग की। अब उस रात मेरे साथ गैंग रेप भी हुआ। जैसे उसने हमें रिपोर्ट की, हमने उसका मेडिकल कराया, उसे 164 के बयान कराए और मुकदमे में 376 धारा गैंग रेप की ऐड कर दी। ये पूरा जो इंसिडेंट था सर, ये कहाँ पे हुआ था? ये IMT सेक्टर 8 का आउटर रोड है, जो एक साइड में इंडस्ट्रीज है, उस रोड के दूसरी साइड में खाली जमीन पड़ी। महिला की कितनी उम्र है इसमें? महिला की उम्र 22 से 23 साल की। और जिस बच्ची का जो मर्डर किया था सर, उसकी कितनी उम्र थी? बच्ची 8.5-9 महीने की। किस किस धारा के तहत मामला दर्ज किया है सर? पहले 302-34 में पर्चा दर्ज हुआ था, बाद में 376D गैंग रेप की ऐड कर दी गई। इसमें ये भी था कि ये कैंटर में भी इस महिला ने लिफ्ट ली थी, उसने भी छेड़छाड़ की थी इसके साथ। इसने जो हमें रिपोर्टिंग की है, इसने ऑटो की है। ऑटो में पहले छेड़छाड़ शुरू की थी? ऑटो में ही इसने सफ़र किया था और खानसा आने के लिए उस ऑटो में बैठी। क्या कुछ युवकों की पहचान हो पाई है सर? अभी इसी स्टेज पे कोई पहचान नहीं हो पाई, प्रयास जारी है, जो जल्द ही गिरफ्तार कर लीजिए।